पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू चला और उनकी पार्टी ने राज्य में तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की। ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इस बात की जानकारी खुद राज्यपाल ने ट्वीट कर दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्होंने टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा कि आज शाम 7 बजे राजभवन में ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए और जीत का जश्न ना मनाया जाए। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं कोलकाता। हमारी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका बताइए जरा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपील की है कि जीत के उत्साह में प्रोटोकॉल ना तोड़ें, प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। उस तरह की तस्वीर दिख रही है क्या वहां पर? क्योंकि कल हमने देखा था कि हालांकि उतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन तब भी उत्साह तो दिखाई दे रहा था। वो सीधे सीधे प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही। बिल्कुल, कल जैसे कि तस्वीरें सामने आई थी, कोविड प्रोटोकॉल जो है तोड़ा गया और बार बार ठीक ममता बनर्जी के घर के सामने भी तोड़ा गया, जिसके बाद खुद वो बाहर आई और उन्होंने लोगों से ये अपील की कि लोग घर को लौट जाएं और जो विजय जुलूस होगा कोविड ख़त्म होने के बाद ब्रिगेड में बहुत बड़ा समावेश करके होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र जयंती जो कि 9 तारीख को है, आने वाली 9 तारीख को है, उस दिन जो है वो लोगों से धन्यवाद ज़रूर कहेंगी, लेकिन विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस बीच आज जो विधायक हैं जीत कर आए टीएमसी के, उनके साथ बैठक करेंगी। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इस पर चर्चा हो सकती है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण जो है वो किया जाए, जिससे कि सरकार जो है वो वापस अपना काम कोविड को लेकर के करना शुरू कर दे। और जो भी शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम होगा, ममता ने ये भी साफ कर दिया है कि वो भी बहुत ही छोटा होगा। ठीक है आशिका, लौट रहे हैं आप, रही है हमारे साथ। उधर बंगाल की सबसे अहम सीट नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी हार गई हैं और शुभेंदु अधिकारी को जीत मिली है। जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम की जनता ने राज्य के मुख्यमंत्री को हराकर एक कार्यकर्ता को चुना है। जरा सुनिए शुभेंदु ने क्या। नंदीग्राम में जो जीत हुआ, इसलिए मैं पूरा के पूरा नंदीग्राम का जनता को डेडिकेट कर रहा हूँ। नंदीग्राम का जनता चीफ मिनिस्टर को हरा के पॉलिटिकल वर्कर को एक्सेप्ट किया। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, एक बड़ी जीत तो है ही आशिका शुभेंदु की। शुभेंदु ने राज्य की चीफ मिनिस्टर को चुनौती दी और ये हालांकि वो दावा कर रहे थे 50,000 वोटों से हराएंगे, वो तस्वीर नहीं बन पाई, वो दावा सही नहीं हो पाया, लेकिन चीफ मिनिस्टर को हराना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरा बंगाल एक तरफ और नंदीग्राम एक तरफ। देखिए कल नंदीग्राम को लेकर के लगातार जो है वो कन्फ्यूजन बना हुआ था। पहले ये खबर आई कि ममता बनर्जी की जीत हुई है, उसके बाद ये खबर आई कि नहीं, शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी भी जताई और कोर्ट तक जाने की बात भी कही है। बहरहाल जीत का सर्टिफिकेट शुभेंदु अधिकारी को मिल चुका है, यानी कि ईसी की तरफ से साफ कर दिया गया है, शुभेंदु अधिकारी की ही जीत हुई है। ये बहुत बड़ी जीत, एक तरफ बीजेपी जो है वो ये तो दुख मना रही है कि सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इससे ज़रूर खुश है कि नंदीग्राम, जिस पर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वहां से शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल पूरे दिन जो है वो कांटे की टक्कर दोनों के बीच चलती रही है, कभी 6 वोट से कोई आगे, कभी कुछ 100 वोटों से आगे। तो ये नंदीग्राम की कहानी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शायद नई सीट ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि अभी 3 विधानसभाओं पर चुनाव फिर से होंगे। आशिका लॉटरी, जरा बता दे कि ममता की पार्टी राज्य में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से हार गई है। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय को एक खत लिखा। इस खत में टीएमसी ने मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए फिर से मतगणना कराने की मांग की, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी इस मांग को कर दिया खारिज। जो चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत का ऐलान कर दिया। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें टीएमसी कह रही है कि रिकाउंटिंग हो, लेकिन चुनाव अधिकारी की तरफ से इस मांग को खारिज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से
जीत हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही उनका काफिला वहां से निकला, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में किसी को भी चोट लगने की खबर नहीं है, लेकिन हमला तो हुआ है। हमला हुआ कुछ लोगों की तरफ से हल्दिया में, जब वो अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। हालांकि किसी को चोट जरूर नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि हमला हुआ था, पथराव किया गया था। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अब तो तृणमूल कांग्रेस जीत गई, पहले तो ये बताइए कि हमले का आरोप, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अक्सर टीएमसी पर ही लगाया जाता है, अब तो टीएमसी जीत गई, अब इस हिंसा का मतलब क्या? और दूसरी बात ये कि आप इतनी सीटों पर जीत गए, जबरदस्त आपको बहुमत मिला, अब क्या ठीक रहा, फिर चुनाव आयोग पे फोड़ा जाएगा, ईवीएम पर फोड़ा जाएगा? क्योंकि रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, नंदीग्राम से अगर ममता बनर्जी हार गई है तो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि रिकाउंटिंग हो। जो तस्वीरों की बात अगर हम करें, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हरे रंग का गुलाल लगा करके कुछ लोग जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पथराव भी वहां पर किया गया। सिर्फ शुभेंदु की गाड़ी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल रात पश्चिम बंगाल में अनगिनत भाजपा के जो कार्यालय हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। तस्वीरें सामने आई है जहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में घुस करके तोड़फोड़ और पथराव करते हुए नजर आए हैं। आरोप टीएमसी के ऊपर लग रहा है और जीत का जश्न जो है वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें रंग में भंग का काम करती हैं। जसप्रीत, हाँ आशिका, लेकिन ये तो बताइए ये रिकाउंटिंग की मांग नंदीग्राम में क्यों उठ रही है? जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जीत हासिल की है, बहुमत हासिल किया है, फिर वहां पर भी रिकाउंटिंग क्यों नहीं मांग की जाती? वहां पर क्यों ना आरोप लगाया जाए कि मतगणना में अनियमितता हुई है? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, नंदीग्राम को लेकर के कल काफी देर तक कंफ्यूजन बना हुआ था, जिसके दौरान एक बार ये खबर आई कि ममता बनर्जी की जीत हो गई है 1200 वोटों से, फिर उसके बाद ये खबर आई कि नहीं, ममता बनर्जी नहीं, शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। तो यही आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए और ये कहा गया है कि नंदीग्राम में कुछ चीटिंग हुई है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तो आरोप ममता बनर्जी की तरफ से कि काउंटिंग जो है उसमें गड़बड़ी की गई है और इसी की शिकायत चुनाव आयोग के पास चिट्ठी लिख करके कल रात को ही टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा और शिकायत की। हालांकि जो री काउंटिंग की मांग थी उसको तो खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन अब देखना है कि क्या, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था, इसे लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, वो कदम उठाया जाता है कि नहीं। आशिका, ये पहला चुनाव था, आप लगातार वहां पर चुनाव कवर करती रही हैं और आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया था, ये पहला चुनाव था जब उस बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई जिस बड़े पैमाने पर बंगाल के इलेक्शंस में होती रही है। चुनाव आयोग पर भी सवाल, लेकिन इस सब के बीच अब जरा बताइए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ, अब तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में लौट रही है, तो क्या ऐसे में फिर उसी तरीके की परंपरा आगे भी देखने को मिलेगी जो होती रही है? देखिए, जो आकलन जैसा कि मैंने पहले भी इस राज्य में देखा है और हिंसा की तस्वीरें देखी हैं, संभव है कि आने वाले कम से कम एक सप्ताह तक ये तस्वीर जो है वो ना बदले और जगह जगह से हिंसा की खबरें सामने आएं। संभव है कि जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके पार्टी ऑफिसेस पर हमला हो, जैसा कि कल जैसे रुझान ही आए थे, नतीजे भी पूरे नहीं आए थे, तभी ये सिलसिला शुरू हो गया था। तस्वीरें सामने आने लगी थी कि बीजेपी के पार्टी ऑफिस जगह जगह पर वो उनमें तोड़फोड़ हो रही थी, तो संभव है कि आने वाले कुछ दिन भी हिंसा की यही तस्वीर बंगाल से देखने को मिलेगा। इतनी बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि एक और अहम खबर मिल रही है, वो ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं और दफ्तरों को लगातार बनाया जा रहा है निशाना, और इसीलिए सवाल आशिका आपसे पूछा गया था। लेकिन इस सबके बीच बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले में हुआ है ऐसा, जहां एक बार फिर बीजेपी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई, दफ्तर में रखे सामान को तोड़ दिया गया। इस हमले में अभी तक किसी के जख्मी होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन लगातार बीजेपी नेताओं और उनके दफ्तरों को बनाया जा रहा है निशाना।
तो दक्षिण 24 परगना का ये मामला है। बीजेपी नेताओं और दफ्तरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जहां हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी जब सर्टिफिकेट जीत का लेने जा रहे थे उस दौरान भी जबरदस्त हमला हुआ था, पथराव हुआ था। और इस सब के बीच कुछ और तस्वीरें हिंसा की दक्षिण 24 परगना में सामने आई, जहां पर देखिए किस तरीके से तहस नहस कर दिया गया। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई, बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ, दफ्तर में रखे सामान को जबरदस्त तरीके से तोड़ा गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तक हालांकि इसमें किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन जानकारी है कि टीएमसी की जीत के बाद इस तरीके की तस्वीर, हिंसा से भरी तस्वीरें अलग अलग जगहों पर। पश्चिम बंगाल में तमाम दावों के बावजूद बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। हार के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ममता जी के कुछ बयान, जैसे सारे मुस्लिम एक हो जाओ, अभी चुनाव प्रचार के दौरान उनका दिया हुआ भाषण, तो वो भी एक विषय था। फिर सारे विपक्ष को उन्होंने एक करने के लिए पत्र भी लिखा, फिर इमोशनल बंगाल की बेटी, फिर इस प्रकार के सारे इशू चले, फिर चेयर पर बैठकर निकलना, तो लोगों की सहानुभूति। तो ये चुनाव कोई ऐसा डेवलपमेंट के नारे के साथ दिया गया हो या हम बंगाल का विकास करेंगे, ऐसा नहीं रहा। ये पूरा इमोशनली प्ले किया गया, ऐसा लगता है मुझे। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद एक